ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ये तो बहुत आसान सी बात है जो आप लोग पहले भी पढ़ते रहे। क्या होता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स? रोज को कॉलम कर देते हैं, कॉलम को रोज को। रो को कॉलम में चेंज करना। ठीक है, तो ए अगर कोई भी मैट्रिक्स लिखी हुई है, ए आई जे ऑफ ऑर्डर एम बाय एन, ए ट्रांसपोज ये नोटेशन है इसकी। ठीक है, ए जे आई बन जाएगा ये, ठीक है ना, और ऑर्डर इसका एम बाय एन है तो एन बाय एम। क्लियर? इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। नंबर वन, ए प्लस बी होल ट्रांसपोज शुड बी इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। नंबर टू, ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। नंबर थ्री, के टाइम ऑफ ए होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू के टाइम ऑफ ए होल ट्रांसपोज। ठीक है, कांस्टेंट का ट्रांसपोज लो तो कांस्टेंट, फाइव का ट्रांसपोज लो तो फाइव ही आएगा दोबारा। ठीक है, और नंबर फोर, ए बी सी होल ट्रांसपोज शुड बी इक्वल टू सी ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो ये चार कुछ प्रॉपर्टीज याद रखिएगा। एडिशन में डायरेक्ट अप्लाई हो जाता है सेपरेट, टू टाइम अगर उसको ट्रांसपोज लिया जाए तो दोबारा एक्चुअल पोजीशन में आ जाती है वो मैट्रिक्स, और अगर के टाइम ऑफ होल ट्रांसपोज लिया जाए तो के ऊपर अगर ट्रांसपोज अप्लाई करें, के इज अ कॉन्स्टेंट, के बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है, तो वो एज इट इज आ जाएगा और बाकी ए के ऊपर ट्रांसपोज अप्लाई। ये प्रॉब्लम भी आप घर पे ट्राई कर सकते हैं, वेरीफाई दैट ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, और एग्जाम्पल ये लिखी हुई आपके पास न्यूमेरिक फॉर्म में, टू वन माइनस टू, माइनस वन जीरो, थ्री जीरो माइनस टू वन। ठीक है, और बी मैट्रिक्स आपके पास क्या लिखी हुई है, थ्री वन टू माइनस वन, थ्री एंड जीरो। अब आप क्या करेंगे, सॉल्यूशन में सबसे पहले ए बी कैलकुलेट करेंगे, फिर ए बी का ट्रांसपोज ले लेंगे। ठीक है, ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी, फिर आप क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में बी बी का ट्रांसपोज लेंगे, ए का ट्रांसपोज लेंगे और बी ट्रांसपोज टाइम ए ट्रांसपोज कर देंगे। ठीक है, ये आपने कैलकुलेट करना, ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए। ठीक, एक डेफिनेशन आती है आपके पास, आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स। हाँ जी बच्चों, क्या होती है आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स? अरे क्या लिखा आपने? आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स पहली बार नाम सुन रहे हैं। बार नाम सुना। चलो, अगर किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर करें, मतलब एक मैट्रिक्स को इटसेल्फ उसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें और दोबारा वही मैट्रिक्स अपीयर हो जाए, तो ऐसी मैट्रिक्स हम क्या कहते हैं, आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, नहीं जैसे आपके पास ए मैट्रिक्स लिखी हुई है, टू माइनस टू माइनस फोर, माइनस वन थ्री फोर, वन माइनस टू माइनस थ्री। जरा आप ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करें, टू माइनस वन वन, माइनस टू
माइनस फोर फोर एंड माइनस थ्री टू माइनस वन वन माइनस टू थ्री माइनस टू माइनस फोर फोर माइनस ठीक हो गया नंबर रो टू कॉलम मल्टीप्लिकेशन करें फर्स्ट रो बाय फर्स्ट कॉलम क्या आ जाएगा आपके पास फिर फर्स्ट रो बाय सेकंड कॉलम और कॉलम तो जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट एंट्रीज में लिख देता हूं प्लस टू माइनस फोर सेकेंड एंट्री क्या बन जाएगी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम माइनस फोर माइनस सिक्स प्लस एट फर्स्ट रो थर्ड कॉलम माइनस एट माइनस एट फोर थ्री जो ट्वेल्व आ जाएगा ठीक है सिमिलरली आप अब क्या करोगे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम ठीक है ना ऐसे तरह फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड थर्ड ठीक है तो इसकी जो आउटपुट आएगी वो आनी चाहिए क्या आएगी टू माइनस टू माइनस फोर माइनस वन थ्री फोर वन माइनस टू एंड माइनस थ्री ये दोबारा ए मैट्रिक्स बन गई देखें वही बनी या नहीं बनी इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो दोबारा ये मैट्रिक्स बनेगा तो हेंस आप कह सकते हैं हेंस ए इज आइडेंटिफाइड मैट्रिक्स सर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी बोलते हैं इसको नहीं वो आएगी सिमेट्रिक मैट्रिक्स नाम दिया हुआ इसको और तो कुछ भी नहीं इस तरीके से एक आती है निलपोटेंट मैट्रिक्स इसका भी नाम सुना आप लोगों ने ना सर नो सर अगर एक मैट्रिक्स को आप उसी मैट्रिक्स का दोबारा मल्टीप्लाई करें और तब तक मल्टीप्लाई करते रहें जब तक आंसर आपके पास जीरो नहीं आ जाता ठीक है ना मतलब उसकी पावर पहले वन रखें फिर टू फिर थ्री फोर फाइव तब तक मल्टीप्लाई करें तब जब तक इसका आंसर जीरो नहीं आ जाता ठीक है तो जैसे इसका आंसर जीरो आएगा तो उस मैट्रिक्स को हम किस चीज का नाम दे देंगे निलपोटेंट मैट्रिक्स का नाम दे देंगे ठीक है और यहाँ पे जो कैपिटल पी लिखा हुआ निलपोटेंसी इंडेक्स ठीक है ये हम क्या कहेंगे यहाँ पे निलपोटेंसी इंडेक्स मतलब फोर्थ पावर पे जाके या फिफ्थ पावर पे जाके इसका आंसर जीरो आ जाता है मैट्रिक्स का तो अगर फाइव पे जाके आता है पावर फाइव के ऊपर या फोर के ऊपर चलो इस फोर के ऊपर कर लेते हैं तो फोर इज द निलपोटेंसी इंडेक्स इसकी मैं एक एग्जांपल करवाता हूँ आपको जैसे आपके पास ये लिखा हुआ है सैंपल में A is equal to 1, 1, 3, 5, 2, 6, minus 2, minus 1, minus 3. सबसे पहले आप A को A के साथ मल्टीप्लाई करें ये क्या देगा आपको A square देगा इसी मैट्रिक्स को 1, 1, 3, 5, 2, 6, minus 2, minus 1, minus 3. इसको आप इसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें 1, 1, 3, 5, 2, 6. माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री इसकी आउटपुट क्या आ रही है आपके पास ये आएगी जीरो 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 थ्री नाइन माइनस वन माइनस थ्री ठीक है तो ये तो अभी तक आपने ए स्क्वायर कर क्या इसका आंसर जीरो आया इस पूरे मैट्रिक्स का नहीं आया अब आप ए स्क्वायर को दोबारा आप ए के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये ए क्यूब बन जाएगा तो इसका
सर क्या आएगा जब जीरो 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 साथ मल्टीप्लाई करें, 1 1 3 5 2 6 -2 -1 -3, तो जब इसको सिंपलीफाई करेंगे इसका आंसर आ रहा है 0 0 0 0 0 0 0 0, दैट इज नीलबुक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 by 3, ठीक है ना, ये nilpotent. तो hence A is nilpotent matrix with nilpotency index is equal to 3. थर्ड टाइम जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया था तो इसका आंसर क्या आया था, जीरो. क्लियर सर, हम ए स्क्वायर को ए स्क्वायर से भी तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, अगर हमें ए फोर तक जाना हो. कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो. ओके सर, ठीक है. लेकिन अगर आपको ए थ्री पे ही आंसर, आपको देखो इसके बाद ए टेन भी करोगे ना डायरेक्ट ए टेन, तो आंसर क्या आएगा, जीरो ही आएगा. लेकिन हो सकता है आपने पहले ही अपना रिजल्ट अचीव कर लिया. फॉर एग्जाम्पल ए, जैसे आपने बीच में से थर्ड वाला ऑर्डर मिस कर दिया ना, अगर आप कह रहे हो ए स्क्वायर को ए स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर दें, थर्ड वाला आपने ऑर्डर मिस कर दी, ठीक है ना, तो वो क्या बनेगा, ए फोर का ऑर्डर बनेगा, वो रिजल्ट तो जीरो ही देगा, ठीक है. ए फिर ए फोर को ए एट के साथ करके देख लें, या ए फोर को ए फोर के साथ करके देख लें, उसका आंसर भी जीरो ही आएगा फॉर एग्जाम्पल. लेकिन आपको निलपोटेंसी इंडेक्स वो होगा जहां पे इसका आंसर जीरो आया है, ठीक है ना. फॉर एग्जाम्पल ये ग्राफ है ना, ये ग्राफ मैं ड्रा करता हूँ, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है. अगर मैं कहता हूं ये 1 2 3, 3 पे एक चीज मिलो जीरो मिल गई है, अब पूरा दिन भी इसके साथ चलते रहे ना, ये जीरो ही देता रहेगा. आपने 4 के ऊपर 0, 5 के ऊपर 6 के ऊपर 7, लेकिन जेनवन जो इसका निलपोटेंसी इंडेक्स था वो 3 था, उसके आगे जितने भी आए हैं उनसे हमारा कोई कंसर्न नहीं. ओके सर. फिर इसके बाद आता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक, सॉरी ट्रांसपोज भी नहीं, ये तुमने कर लिया था. सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्या होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए आ जाए, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें दोबारा ए मैट्रिक्स अपीयर हो जाए, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं. या एक होती है स्क्यू सिमेट्रिक, इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए देन ए इज कॉल्ड ए इज सिमेट्रिक, ठीक है. यहां पे क्या होगा, ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है. एग्जाम्पल इससे रिलेटेड एक अभी देख लें, आप एक मैट्रिक्स लिखी हुई है ए 1 -2 5 -2 3 4 5 4 7, तो चेक वेदर द गिवन मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक. तो आप ए का ट्रांसपोज लें, क्या आ जाएगा, 1 -2 5 -2 3 4 5 4 7, दोबारा क्या बन गया आपके पास, दोबारा ए मैट्रिक्स बन गया. तो ये आपके पास कौन सी मैट्रिक्स होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही बन रही है ना, नहीं ये आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन गई. इसके बाद जो टॉपिक है आपका वो है
रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, क्या होता है रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स? नॉन जीरो रोज, सिर्फ नॉन जीरो रोज। हाँ भाई, ठीक है, जब आप किसी किसी भी मैट्रिक्स को एचलन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हो, मैंने एचलन फॉर्म आपको बताई है ना, तो अगर किसी मैट्रिक्स को आप एचलन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हो और उसके बाद ये चीज देखते हो कि उसमें नॉन जीरो रोज कितनी है, तो वो आपके पास क्या होगा, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो ये देखें, ये इसका पिवट एलिमेंट है, पिवट एलिमेंट है ना, पिवट एलिमेंट क्या होना चाहिए एचलन फॉर्म के लिए, वन, वन तो ऑलरेडी है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, वन के नीचे सारे जीरो बनाने पड़ेंगे, वन के दूसरे नंबर वाला भी नंबर जीरो है, इसको कैसे जीरो बना सकते हैं और इसको कैसे जीरो बना सकते हैं, रो थ्री में से फाइव टाइम ऑफ रो वन कर दें और रो फोर में आप टू टाइम ऑफ रो वन कर दें, तो क्या आ जाएगा, फाइव माइनस फाइव जीरो हो जाएगा, माइनस वन ये बन जाएगा फिफ्टीन, माइनस सिक्सटीन ये जीरो हो जाएगा, थ्री टू द सिक्स और थ्री टू सिक्स और थ्री माइनस सिक्स कितना बन जाता है, ये नाइन बन जाता है, ऐड करना है तो ये नाइन बन जाता है। ठीक है, अब इसमें पिवट एलिमेंट कौन सा आ रहा है, ये वाला पिवट एलिमेंट है, इसको वन बनाए, ठीक है, तो माइनस वन बाय टू को रो वन के साथ, सॉरी टू के साथ मल्टीप्लाई करें, ये क्या आ जाएगा आपके पास, वन थ्री जीरो वन जीरो माइनस सिक्सटीन जीरो नाइन, ठीक है ना। अब आप क्या करें, रो थ्री में सिक्सटीन टाइम ऑफ रो टू कर दें और रो फोर में नाइन टाइम ऑफ रो टू कर दें, ये क्या बन जाएगा आपके पास, वन थ्री जीरो वन जीरो 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 जीरो, पिवट एलिमेंट वन और उसके नीचे सारे क्या बन गए जीरो, ये वन उसके नीचे। अब मुझे ये बताएं कितनी नॉन जीरो रोज है इसमें, एक दो तीन चार, कितनी नॉन जीरो रोज है, दो, दो, तो रैंक ऑफ ए क्या आ जाएगा आपके पास, टू आ जाएगा, दैट इज नंबर ऑफ नॉन जीरो ठीक है, एच फॉर्म में कन्वर्ट करने, ठीक है, याद रहेगा ये, ठीक है बच्चों या नहीं? यस सर, ठीक है सर। तो इससे रिलेटेड मैं कुछ प्रॉब्लम्स भी दे दूंगा आज के टॉपिक का, बाकी सेक्शंस को भी इतना कराया, बाकी कल कराऊंगा, तो इससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज भी हैं, ठीक है। मैंने वैसे जो आज के लेक्चर नोट्स पढ़ाए हैं ना, वो मैंने ऑलरेडी आपके सीआर को सेंड कर दीजिएगा, वो आपको सेंड कर दी हूँ आपसे, उससे आप ले लीजिएगा। तो जी सर, ओके, एक्सरसाइज है 1.3, तो उसको भी आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सर आप ये वाले भेज दीजिएगा नोट, ये मैंने बीच बीच में से खैर टॉपिक मैंने मेंशन कर दिए, ये तो आपके पास वीडियो लेक्चर होगी ना, तो बाकी आपके पास डिटेल जो उनसे नोट्स हैं वो मैंने आपको सेंड करवा दी, ठीक है, उसमें थोड़ी थ्योरी भी लिखी हुई है, तो वो समझने के लिए अच्छा, आपके साथ में डेविड सीले की बुक भी फॉलो कर दें सर। अरे टेक्निकल में
माइनस वन आर टू की है, तो इसमें आर टू प्लस आर वन भी कर सकते हैं, करके देखो क्या बन जाएगा, वैसे अभी करके बताओ क्या बन जाएगा। ये सर वो फिर वन इधर आ जाएगा, वो जीरो नहीं रहेगा, तो हम इतनी मेहनत करके उसको रो बनाते हैं, हम दोबारा से उसको वन बना दें। तो कह रहे हैं कि एक बार एक रो को अगर यूटिलाइज कर दिया तो नेक्स्ट टाइम उसको यूटिलाइज ना करें। सही है सर, सही है, ठीक है ना। चलो तो इतना फिर काफी है, बाकी इंशाल्लाह कल वाली क्लास। सर कल क्लास होगी? यार देखो इंशाल्लाह, मैं देखता हूँ क्या करना है। ओके ठीक है, ले लें सर, बाद में हमें मेकअप लगानी पड़ेगी। यार मैं, मुझे ये नहीं पता होता मैं मेकअप लगाएं ना लगाएं, मेरा ये पर्पज होता है बस कोर्स पूरा हो, जितना पढ़ना है आपका सारा कोर्स पूरा हो, ठीक है ना। ओके सर, कोई चीज किसी ने पूछनी है तो पूछ सकते हो यार। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अटेंडेंस नहीं होगी? अटेंडेंस हो गया यार, अटेंडेंस मर्जी है आप लोगों की, ले लूं अटेंडेंस, रहने दे सर। बाईस अटेंडेंस हैं, तो चलो 22 लगा दूंगा, जितने हुए सब कुछ लगा दूंगा, ठीक है। ओके यार, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर।